दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे टेनिस के पोस्ट मैच एनालिसिस वो लेके आया हूँ लेके आया हूँ वो इस बार हुबर्टो कैश पोलैंड के खिलाड़ी वर्सेस एटीपी रैंकिंग 11 वर्सेस था एटीपी रैंकिंग 60 प्लस पेड्रो मार्टिनेज स्पेन के खिलाड़ी और दोनों के बीच में मैच जबरदस्त हुआ। बट हुबर्टो कैश की नज़र में जबरदस्त हुआ, क्यों? क्योंकि वो एसीज में भी कहीं आ रहे थे, डबल फॉर्म में भी कहीं आ रहे थे, कम किए डबल फॉर्म मीन्स और ब्रेक पॉइंट्स आने नहीं दिया और मैच में थ्रू आउट कंसिस्टेंसी तीन सेट से तीनों सेट्स 1 घंटे 50 मिनट के अंदर अंदर रैप अप किया। दूसरे पेड्रो प्लेयर अच्छे हैं बट इस बार उनकी 8 ना चली और मैच बहुत जल्दी हार गए। पेड्रो चाहेंगे अगली बार अगर मौका मिलेगा फिर से ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो वो हुबर्टो कैश के साथ अगर मिले तो उसके साथ बढ़िया प्रदर्शन करूँ और कोई भी प्लेयर के साथ मिले तो और ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करूँ ताकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो अपनी छाप छोड़ कर जाए। दोस्तों इसी रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊँ। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार बता दूँ फिर से, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि सारी अपडेट्स मिल सके आपको पोस्ट रिगार्डिंग, प्री रिगार्डिंग और अदर एक्टिविटीज, ब्लॉग रिगार्डिंग, सब कुछ रिगार्डिंग। दोस्तों अब बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। तो पहले सेट में शानदार प्रदर्शन किया दोनों खिलाड़ियों ने बट हुबर्टो कैश का नाम ज़्यादा ही लूंगा क्योंकि बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। पहले सेट में पेड्रो ने भी अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि ये टाई ब्रेकर था किया बट टाई ब्रेकर में वन साइड टाई ब्रेकर हुआ क्योंकि 80 पॉइंट जीत पाए 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। उसके बाद आ गया टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में बढ़िया प्रदर्शन किया हुबर्टो कैश ने, सिर्फ 80 पॉइंट लेने दिया और 7-1 से टाई ब्रेकर जीता और सेट जीता 7-6 से। सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट में बढ़िया प्रदर्शन किया, 1-1 हुआ, उसके बाद अपनी सर्विस गेम पे ही होल्ड रहते रहे, 2-1 सर्विस गेम ब्रेक की, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 और 6-1 से जीता। दूसरी और थर्ड सेट में बात करें तो थर्ड सेट में 8-8 सर्विस हुई, उसके बाद सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, फिर से सर्विस गेम होल्ड रखी मार्टिनेज ने और कैश ने, सर्विस गेम होल्ड रखी, सर्विस गेम ब्रेक की और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-2 से वो जीता। पहला सेट बढ़िया प्रदर्शन किया था दोनों प्लेयर ने बट सेकेंड थर्ड सेट में धीरे धीरे मोमेंटम शिफ्ट होता रहा हुबर्टो कैश की तरफ और बहुत ज़्यादा हुआ और आसानी से इन दैंड जीत गए, विद इन 3 स्ट्रेट सेट्स में जीते। अगर मैच स्टैट्स की और नजर डाले तो मैच स्टैट में एसीज भी बहुत कमाल के लिए हैं, 20+ एसीज, 24 एसीज ली हैं, दूसरी ओर कोई एसीज नहीं आया, 80 डबल फॉल्ट किया, 4 डबल फॉल्ट किया मार्टिन ने, ब्रेक पॉइंट हुबर्टो कैश ने ना आने दिया, सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने 3-4 सेव की बट हर बार सेव नहीं कर पाए, खासकर जो पहले सेट में अच्छा प्रदर्शन किया सेव किया। दोस्तों अब हुबर्टो कैश का मैच होने वाला है, अगला मैच बढ़िया होने वाला है क्योंकि जो मैच होने वाला है वो सोने ड्यू के साथ मैच होने वाला है, उनके साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड में पलड़ा सोने ड्यू का बारी है एज एन प्रेजेंट हुबर्टो कैश। तो हुबर्टो कैश चाहेंगे कि भाई पलड़ा बारी जरूर हो रहा बट मैं टॉप 80-20 प्लेयर के अंदर आता हूँ, मैं प्ले प्रदर्शन बढ़िया करूँगा और मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाई आगे जाऊँगा। और सोने का बोलेंगे भाई मेरा 80-90 जरूर पीछे है, मैंने आपको हराया और इस बार ही मैं हरा सकता हूँ, क्या लगता है आपको क्या होगा? मेरे हिसाब से सोने को भारी पड़ सकते हैं, क्या पता 4 सेट्स तक जाए बट जो मैच का रिजल्ट होगा वो हुबर्टो कैश के साथ होगा। हुबर्टो कैश मैक्सिमम 4 सेट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, वो जीत जाएंगे, ये भी हो सकता है 3 सेट्स में जीत जाएँ। आपको क्या लगता है आप अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।